हेलो दोस्तों, अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से इतने पैट्रियोटिक मूड में क्यों हूँ। नहीं, आज 15 अगस्त है और 26 जनवरी को अभी आने में देरी है, तो फिर आज पैट्रियोटिक बनने का क्या रीजन है? दोस्तों, रीजन समझा रहा हूँ, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया के किसी भी डिफेंस सेक्टर हो या तो पुलिस फोर्सेस में हो, हमारे फ्यूर डिफेंस यानी कि डॉग्स का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बहुत से ऐसे सिलेक्टेड डॉग ब्रीड्स जैसे कि जर्मन शेपर्ड, डॉबरमैन, बेल्जियम मेलिनवा, रॉटवेलर, लैब्राडोर, जो अभी भी अपने कंट्री के लिए सर्व करते हैं या तो डिफरेंट कंट्रीज वगैरह में इन्हें सर्व करवाते हैं। अब सोचने वाली बात यही है कि जितने भी डॉग्स आज तक आपने सर्विस करते हुए देखे होंगे वे सभी फॉरेन ब्रीड ही होते हैं। इवन इंडिया में भी फॉरेन डॉग ब्रीड ही रहा करते थे, पर 2017 से प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इंडियन डॉग ब्रीड को फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री इंडियन नेशनल आर्मी में एज अ सर्विस डॉग लेने का अनुमति दे दिया, और वो इंडियन डॉग ब्रीड जो पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी में रखा गया था, उस इंडियन डॉग ब्रीड का नाम है मुधोल हाउंड। मुधोल हाउंड जिनका ओरिजिन मुधोल, जो कि प्रेजेंट डे में बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इंडिया में पड़ता है, ये एक बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए दोस्तों, मैं आज ज़्यादा ही पैट्रियोटिक मूड में हूँ और आज आप लोगों को भी ये इंडियन डॉग ब्रीड मुधोल हाउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि बताया, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि मेन टॉपिक तो अभी शुरू होने जा रहा है। मुधोल हाउंड जो कि एक साइड हाउंड डॉग ब्रीड है, जो अपने शिकार को देखकर शिकार करने में माहिर होते हैं। इस डॉग ब्रीड का हाइट बात करें तो 26 से 28 इंच का होता है और वेट 22 से 28 केजी तक का होता है। लाइफ स्पैन देखा जाए तो ये 13 से 14 ईयर्स तक का होता है। इसका सर लंबा और संकरा यानी कि नैरो होता है। दो खान के बीच वाला हिस्सा चौड़ा और मजल जो है थोड़ा पतला होता है। इसका जॉ लंबा एंड ताकतवर का होता है। इसका ब्लैक लीवर या तो कुछ फ्लैश कलर में इसका नाक का कलर होता है। खान इसका मीडियम साइज का पाए जाते हैं, जिसमें से टिप जो है थोड़ा राउंड शेप में होता है। आंख देखा जाए तो ये ओवल शेप में होता है, जो कि डार्क एंड लाइट कलर में पाए जाते हैं। लंबा गर्दन, लंबा और मस्कुलर लेग, स्ट्रेट लॉन्ग ब्रॉड एंड मस्कुलर बॉडी होता है। चौड़ा छाती और पेट जो होता है थोड़ा भीतर की तरफ दिखाई देता है। पूंछ जो है मजबूत, पतला, लंबा और नीचे की तरफ झुके नजर आते हैं। मुधोल हाउंड जो कि फ्लेक्सिबल डॉग है, मुधोल हाउंड का बात किया जाए तो ये ग्रे हाउंड डॉग ब्रीड के साथ कुछ मेल खाता है। इस डॉग का ह्यूमन के साथ में रहना बहुत पसंद आता है। बाकी डॉग्स के साथ भी इनका नेचर अच्छा ही रहता है। मुधोल हाउंड बहुत अच्छे डॉग ब्रीड होता है और साथ में ये गार्डिंग और वॉच डॉग भी अच्छा काम करते हैं। ये डॉग ब्रीड वन ऑफ द हेल्दीस्ट डॉग ब्रीड के लिस्ट में जाने जाते हैं, और इंडियन क्लाइमेट में तो ये बीमार होने का ना के बराबर है। मेंटेनेंस की बात करें तो मुधोल हाउंड जीरो मेंटेनेंस डॉग है। आप इनको सप्ते में एक बार या दो बार ब्रशिंग करने से भी हो जाएगा। इस डॉग का मसाज का थोड़ा शौक रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा तेल लगा के मसाज करें। आप इनको मुलायम ब्रश से ब्रशिंग कर सकते हैं, ये आपको कभी कंप्लेन नहीं करेगा, बस मसाज होने से मतलब है। अब कॉमन हेल्थ इश्यू के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मुधोल हाउंड एक हेल्दीस्ट डॉग ब्रीड है, पर फिर भी कुछ कॉमन स्किन डिजीजेस होने का चांस होता है। मुधोल हाउंड को स्किन थोड़ा पतला होने की वजह से अपनी धूप और ठंड की वजह से चिल्ली बाइट नाम की स्किन डिजीज हो सकता है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम मुधोल हाउंड में मारासोम नाम का इश्यू पाया गया है, जिसमें आपके डॉग खाना तो खाते हैं लेकिन ठीक से अब्जॉर्ब ना होने की वजह से ये वेट गेन नहीं कर पाता। थोड़ा टेम्परमेंट के बारे में बात करते हैं। मुधोल हाउंड बहुत ही अच्छा फैमिली कंपेनियन होते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं। और आपके घर छोटा बच्चा है तो उनके साथ अच्छा बॉन्ड ना हो, पर ओल्डर चिल्ड्रन के साथ खेलना दौड़ना इन्हें पसंद है।
ये ब्रीड बाकी डॉग्स के साथ भी अच्छा ही रहता है और छोटा पेट्स के साथ कुछ अलग बिहेव कर सकता है, क्योंकि बाय नेचर ये एक होम ब्रीड है तो उन्हें शिकार के तौर पर दिख सकता है। ये ब्रीड भागने दौड़ने के लिए बना है, तो उस एनर्जी को सही यूटिलाइज करने के लिए छोटा अपार्टमेंट में रखना सही नहीं रहेगा। अब दोस्तों एंड में प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले प्रोज से शुरू करते हैं। ये डॉग वन ऑफ द हेल्दीस्ट डॉग ब्रीड है, जो कि मैंने बताया आप लोगों को। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो ये डॉग बहुत ही बढ़िया से इंडियन क्लाइमेट में फिट हो जाता है। शॉर्ट कोट होने की वजह से इसको कोई ग्रूमिंग का झंझट नहीं रहता। अब जरा कॉन्स के बारे में बात करें तो ये डॉग एक वन मैन डॉग है, यानी कि एक पर्सन के साथ ही अच्छा बॉन्ड रहता है। अनजान लोगों के साथ इजीली फ्रेंडशिप नहीं करता, कभी कभार थोड़ा सा टेम्परमेंट हो सकता है। तो ये था हमारे इंडियन डॉग ब्रीड का सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट। होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इंडियन डॉग ब्रीड मुधोल हाउंड के लिए कमेंट में जरूर से जय हिंद भी लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।